दोस्तों आज हमारे सामने जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा। और सबसे पहले कलर बता देते तो ये है आपका ब्लैक कलर। जो लोग भी ग्रांड विटारा में ब्लैक कलर चाहते थे वो आपको यहाँ पर अब मिल जाएगा। देख सकते हैं सामने व्यू पूरा ब्लैक कलर का। हल्की से आपको गंदी दिख रही होगी गाड़ी, लेकिन यहाँ पर जो कलर है इसका ब्लैक है। टोटल इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं ग्रांड विटारा के, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा। और जो हमारे सामने वेरियंट है ये जीटा सीएनजी वेरियंट है। जो लोग भी डिमांड करते थे प्रीमियम के साथ में सीएनजी मिलनी चाहिए, वो अब ग्रांड विटारा में आ चुकी है। तो अब फीचर्स हम लोग जानेंगे क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात आती है इसके ऑन रोड प्राइस की बात, जो कि आपको मिलेगी 17,10,000 ऑन रोड प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी का अकबरपुर केटीएल शोरूम में। तो यहाँ के आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा लुक मिलेगा और इसमें जो इंजन मिलता है 1462 cc का आपको इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 26 किलोमीटर पर kg का माइलेज मिलेगा। माइलेज भी जी हाँ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये आपको पूरा लुक मिलने वाला है। तो देख सकते हैं फ्रंट व्यू गाड़ी का। बोनट आपका लॉन्ग बोनट मिलता है, हल्के से कर्व आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये DRLs मिल जाते हैं LED में, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर सेम इसमें मिलेगा। क्रोम का वर्क है सामने ग्रिल में आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं ये आपको मिलता है। यहाँ पे सुजुकी क्रोम फिनिश में लोगों पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलेगी, और ये आएगा क्रोम का वर्क। यहाँ पर ये आएगा बम्पर ब्लैक फिनिश, ये आता है सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर मिलता है। ये आएगा साइड में प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स आपको मिलती है सिंगल में। तो ये है पूरा लुक गाड़ी का। और यहाँ से साइड व्यू देखेंगे एक बार तो देख सकते हैं ये आपको मिलता है। यहाँ पर आएगा देखिए एलॉय व्हील्स का लुक आपको मिलता है, ये देखिए डुअल टोन में आपको मिल जाता है। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। और व्हील की साइज की बात करें तो 17 इंचेस के आपको एलॉय व्हील यहाँ पर मिलते हैं। ये आता है क्लैडिंग का वर्क, ORVM है, बॉडी कलर मिलेंगे विथ टर्न इंडिकेटर ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में। और यहाँ पर यह आगे है रनिंग बोर्ड, जो कि ब्लैक फिनिश में आपको फाइबर में मिल जाएगा यहाँ पर। और साइड में देखेंगे तो क्रोम कवर के यहाँ पर डोर्स में मिलता है, ये डोर मिलेंगे विद रिक्वेस्ट सेंसर बोथ साइड आपको आगे देखने को मिलेगा। ये आता है पूरा लुक यहाँ पर। बैक में यहाँ पर ग्रे फिनिश ही आपको मिलता है। और आता है यहाँ पर अब रियर लुक, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा। ये देख सकते हैं रियर का व्यू पूरा। यहाँ पर आती है टेल लैम्प, जो कि यहाँ पर ब्लिंक करती हुई आपको दिख रही होगी, ये बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पर आता है बोथ साइड में देखने को मिलेगा। बीच में आपको क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो मिलता है, ग्रांड विटारा की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पर। और ये आता है बैक में कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, ये दो रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं, ग्रे फिनिश आपको बम्पर बैक में मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर। तो ये आएगा लुक। यहाँ पे बैक में डिफॉगर्स है, और यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, अपर पे सार्फिन में रेडियो एंटीना मिलता है। CNG की यहाँ पर देखिए स्टीकर आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं क्या हमको देखने को मिल जाता है, कैसा इंटीरियर है इसका जीटा का, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डोर ओपन करेंगे हम लोग, और ये आएगा यहाँ पर डोर का लुक पूरा देखेंगे। तो ये आता है डुअल टोन में आपको डोर का लुक मिल जाएगा, ब्लैक फिनिश और यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर आपको मिलता है। ये आपको मिलेगा लेदर फिनिश, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लेदर फिनिश है ब्राउन कलर। और ये आपको प्लास्टिक का वर्क है। यहाँ पर आता है ये ग्रे फिनिश, अनलॉक का बटन क्रोम फिनिश में है। और यहाँ पर आती चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी, ये आपको लॉक अनलॉक का बटन है। ORVM ओपनिंग का बटन आपको मिलता है, ऑटो फुल फीचर, ये आपको ORVM एडजस्ट करने का बटन आपको मिलता है। यहाँ पर है बॉटल स्टोरेज, यहाँ पर भी स्टोरेज है फाइल का। और इस जगह आपको स्पीकर मिलता है, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्विटर। तो ये आएगा लुक। और इंटीरियर देख सकते हैं, तो ये आता है गाड़ी का इंटीरियर। चल के चेक करते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और ये आएगा यहाँ पर देखिए, ये सीट फोल्डिंग का बटन है, सीट के इंक्लाइनेशन एडजस्ट का बटन आपको ये मिलता है। और जो फैब्रिक में आपको यहाँ पर सीट्स मिलेंगी, ब्राउन फिनिश और ब्लैक फिनिश का कॉम्बिनेशन है। सीट कवर आप लोग इसमें लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में। और ये आता है यहाँ पर हेडरेस्ट, जो कि आपको एडजस्टेबल बोथ साइड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आएगा ये पूरा लुक। बैठ के देखते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आपको मिलेगा सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे एसी वेंट्स के साइड में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आएगा बैठ के देखते हैं लुक क्या मिलता है। तो देखेंगे हम लोग, ये स्टेयरिंग का व्यू मिलता है ब्लैक फिनिश में, सुजुकी का क्रोम फिनिश में यहाँ पर लोगो मिल जाता है आपको। और ये आता सर्किल में क्रोम का वर्क है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम के कंट्रोल है, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये आएगा यहाँ पे टोटल 6 एयर बैग आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए रहते हैं। यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, साइनिंग में स्मूथ आपको मिलेगा। और ये आपके कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के फीचर हैं, वॉइस कमांड भी आपको मिलती है। और यहाँ पर देखिए स्टेयरिंग का जो कॉलम है आपको टिल्ट में मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है, और टेलीस्कोपिक
बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इसके स्टेयरिंग में। और सामने आता है हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आपको RPM मिलता है, राइट साइड में 220 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है, मैनुअली स्पीडोमीटर मिलता है और डिजिटली इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये बटन आपको दो मिलेंगे यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए MID का जो डिस्टेंस है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, बैटरी की, CNG की, सारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको लुक पूरा मिल जाता है यहाँ पर देखने को। और ये यहाँ पर देखेंगे सामने तो 9 इंच का टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में, देख सकते हैं। अगर हम लोग रिवर्स गियर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए कैमरा भी आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि रिवर्स पार्किंग आपको कैमरा यहाँ पर दिया जाता है गाड़ी में। ये आएगा पियानो ब्लैक फिनिश साइड में आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर डैशबोर्ड, तो बड़ा सा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, ग्रे फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पूरा। और ये आपको 5 गियर बॉक्स यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाएंगे। ये आएगा लेदर का कवर और यहाँ पे पियानो ब्लैक साइड में आपको यहाँ पर मिलता है, ये पियानो ब्लैक का वर्क साइड में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल स्टोरेज है, कीज़ आपको दो मिलेंगी यहाँ पर देखिए, पावर कीज़, लॉक अनलॉक की बटन दो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पे की होल्डिंग स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और सामने आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, फ्यूल ऑप्शन है पेट्रोल CNG का, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, 120 वाट मिलता है। यहाँ पर USB चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये आपको आता है यहाँ पर, ग्लव बॉक्स छोटा सा देखने को मिल जाता है। ये आपको यहाँ पर लेदर टच आपको मिलेगा। और लेफ्ट साइड का डोर का व्यू देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाड़ी में चेक करेंगे अपर साइड में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखेंगे अपर साइड में आपको मिलेगा एक सन वाइज़र विथ वैनिटी मिरर के साथ में, लाइट भी मिलती है। और लेफ्ट साइड में भी आपको सन वाइज़र मिलता है, वैनिटी मिरर और विथ लाइट, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर देखिए दो लैंप लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये यहाँ देख सकते हैं। और ये वॉइस कमांड यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और लेफ़्ट साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतना कुछ मिलता है, दो कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं, हैंड ब्रेक है, क्रोम फिनिश बटन मिलती है, यहाँ पे लेदर का ये आर्मरेस्ट मिलता है, एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टोरेज, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी में इतना कुछ मिलता है। और अब हम लोग चेक करेंगे बैक वाली सीट का स्पेस कितना आपको देखने को मिलता है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलेंगे बैक वाली सीट में और चेक करेंगे वहाँ का स्पेस हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर। और गाड़ी में यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, तो इसमें जो आपको IRVM मिलेगा, यहाँ पर जो IRVM आपका है, ये ऑटो IRVM आपको मिल जाता है, ऑटो एडजस्टेबल आपको मिलता है। तो बैक में चलते हैं, स्पेस चेक करते हैं गाड़ी का, वहाँ कितना स्पेस मिलेगा हमको। तो ये है आपका जो बैक का लुक गाड़ी का। यहाँ से देखेंगे डोर डुअल टोन में आपको मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक फिनिश और लेदर फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये लेदर फिनिश जो ब्राउन कलर है पूरा लेदर में है, यहाँ पर ग्रे फिनिश ये मिलता है, अनलॉक की बटन क्रोम फिनिश में है, पियानो ब्लैक यहाँ पर मिलेगा और ये आपको अनलॉक की बटन आपको यहाँ पर मिलती है। ये आएगा बॉटल स्टोरेज, ये आएगा स्पीकर। और इंटीरियर देख सकते हैं, तो ये आता है गाड़ी का इंटीरियर पूरा इस तरीके का, बैक का ये क्वार्टर ग्लास यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर फैब्रिक है सेम आपको मिलेगा, आगे वाली सीट्स जैसा लुक आपको मिलता आता है, ब्राउन और ब्लैक फिनिश ये आते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पर। और बैठ के देखते हैं तो स्पेस कितना देखने को मिलता है, 60-40 का जो स्प्लिट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैठ के देखते हैं स्पेस बैक में वो कितना देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बैठेंगे और सीट पूरी पीछे है, इसके बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा लेग रूम मिलता है, तो कम्फर्टफुली आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे। और बैक में यहाँ पर देखिए AC के वेंट्स मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश ये साइड में मिलता है। और यहाँ पर देखिए दो आपको पॉइंट मिलेंगे, एक आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिलता है और एक आपको Type-C का चार्जिंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल का स्टोरेज। और जो साइड प्रोफाइल है डोर का, यहाँ से देखेंगे इंटीरियर से ऐसा दिखेगा। और ये आता है ग्रैब हैंडल, आपको यहाँ पे शॉर्ट फोल्डिंग के साथ मिलता है। जो लैंप लाइट है आपको बोथ साइड में ये देखने को मिलेंगी, और ग्रैब हैंडल भी आपको बोथ साइड शॉर्ट फोल्डिंग के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आता है लुक। और पूरा इंटीरियर जो है एक बार यहाँ से देखेंगे तो ये आता है हमारा इंटीरियर गाड़ी का, ऐसा दिखने में लगता है। और बैक में आपको मिल जाता है यहाँ पे एक पार्सल ट्रे बड़ी सी देखने को मिलती है, और एक ये आपको यहाँ पे मिलेगा आर्मरेस्ट। तो आर्मरेस्ट देखते हैं कैसा मिलता है। ये आएगा ब्लैक फिनिश में और यहाँ पर दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं बैक में। तो ये अच्छा खासा लुक यहाँ पर दिया जाता है आर्मरेस्ट का। और इसको अभी क्लोज करेंगे हम लोग तो, और सीट बेल्ट एक यहाँ से देखिए आपको दिया जाता है मिड वाली सीट के लिए, ये चीज़ मिलती है। और गाड़ी का अब हम लोग चेक करेंगे बूट स्पेस वो कितना देखने को मिलता है हमको, वो चेक कर लेते हैं। और वहाँ पर देखते हैं CNG टैंक कैसे हमारा फिट किया गया है, वो चीज़ भी चेक करेंगे। तो ये है गाड़ी का पूरा रियर का व्यू यहाँ पर, और चेक करते हैं यहाँ पे CNG किट कैसी हमको देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर है ये बैक का लुक पूरा आपको इस तरीके से मिलता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिलेगा और ये आएगा हमारा यहाँ पर बूट स्पेस। तो इस तरीके से बनाया यहाँ पर है, देखिए सीएनजी टैंक वो आपको दिखाते हैं, पूरा कवर्ड कर रखा है। यहाँ पर सीएनजी का एक ये आपको बेल्ट दिखा मिलेगा और इसको आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से प्रेस करना है और ये आपका यहाँ पे सीएनजी टैंक दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है सीएनजी किट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से आप लोग क्लोज करेंगे तो इसमें कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा। जिनको लगता था सीएनजी टैंक ना दिखे तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी इसमें ख्याल रखा गया, आपको कवर्ड पूरा दिखेगा यहाँ पर और ये स्पेस अच्छा खासा आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको स्टोरेज मिलेगा, आप कुछ भी आप सामान रख पाएंगे। ये जगह आपको मिलेगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, बैक में आपको एक लैंप लाइट भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इतना कुछ है यहाँ पर जो मिल जाता है बूट स्पेस। तो यहाँ से आप लोग 300 लीटर के ऑल राउंड आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाएगा, तो लगेज भी आराम से रख सकते हैं। और ये है पूरा गाड़ी का प्रोफाइल जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एक बार देखेंगे जो व्यू पूरा कैसा देखने को मिलता है, एक्सटीरियर व्यू गाड़ी का वो हम लोग चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या व्यू देखने को मिलता है। तो ये है हमारी ग्रैंड विटारा का ब्लैक कलर, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के कार वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।